श्रीनगर हाईवे के पास बीते 10 सालों से डाला जा रहा शहर भर का कूड़ा अब लोगों के लिए नासूर बन गया है। कूड़े की समस्या से जूझ रही जनता पिछले लंबे समय से कूड़ा निस्तारण की मांग उठा रही है, लेकिन उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं आपको बता दें, कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पालिका ने जमीन चयनित की लेकर जमीन रिजर्व फॉरेस्ट में आने के कारण फॉरेस्ट क्लियरेंस पाने में भी नगर पालिका को कई साल लग गए। अब नगर पालिका ने ट्रेचिंग ग्राउंड की DPR शासन को भेजी है, जिससे बजट मिलते ही कार्य शुरू हो सकेगा। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। दिक्कतें तो अगर रास्ते में कूड़ा पड़ा रहेगा तो बाहर से कई लोग आते हैं और एकदम से उनकी नज़र ये पड़ती है कि देखो भाई, पौड़ी शहर का तो वैसे बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, और ये गंदगी एकदम से लोगों को दिखती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उसमें माइनस होना पड़ता है। तो ये नगर पालिका इसमें कर रही है, बराबर अपना ध्यान दे रही है और बना भी रही है। अभी ट्रेंचिंग ग्राउंड, अभी ये हिसाब से हमारी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि ट्रेंचिंग ग्राउंड भी जल्दी से जल्दी ये बन जाएगा, लोगों की जो है समस्याएं दूर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पौड़ी के अंदर कूड़ा निस्तारण को लेकर लंबे अरसे से मांग उठाई जा रही है, ना ही राज्य सरकार ना ही जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर 22 फरवरी को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हम सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करें और स्वच्छता को लेकर हम आगे बढ़ सकें। आप देख सकते हैं कि कूड़ा निस्तारण को लेकर सभी लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो अभी भी कूड़ा बिना ट्रेंचिंग ग्राउंड के अभाव में इधर उधर पड़ा हुआ दिखाई देता है, और ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है और आसपास के लोग तो काफ़ी परेशान है। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, कि इस और गंभीरता से वो ध्यान दें, और जन आक्रोश रैली के माध्यम से भी हम सरकार को चेतना चाहेंगे कि कूड़ा निस्तारण को लेकर जो है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, और आगे आने वाले समय में कूड़े को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन भी आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा मांडा खाल में हमें भूमि मिली है 1.007 हेक्टेयर, उसके लिए पूरा वो जमीन हमें मिल भी चुकी है, फॉरेस्ट से क्लियरेंस भी हमें मिल चुका है, लेकिन उसमें 9.74 करोड़ की जो DPR है वो वर्तमान में शासन में लंबित है अप्रूवल के लिए, और जैसे ही इस पे अप्रूवल हमें मिल जाएगा हम वहाँ पे काम शुरू कर देंगे।